हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो ये है गांव से आने का वाला ब्लॉग। जो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं अपने गांव था, क्योंकि मेरे घर पे शादी थी, तो शादी बीत गई। उसके बाद हम लोग सब आदमी निकल गए सिवान के लिए। और ये है मेहरवा बार बार मुझसे निकलता है क्योंकि मैंने उस रोड पर ज़्यादा अप डाउन किया। ये है अंदर और सिवान वाला रोड, जो कि यहाँ फिर अंदर फिर सिवान जाता है। रास्ता आप देख सकते हैं काफ़ी खाली है, क्योंकि जो टेम्परेचर अभी है वो है 44 डिग्री, जिसके वजह से आपको रोड पे कोई दिखाई देगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई किसी को जलने का शौक थोड़ी नहीं। इतना भयानक जो गर्मी पड़ रहा है, हम लोग इसी वजह से सिवान जा भी रहे हैं, क्योंकि गांव पे भी थोड़ा बहुत गर्मी हो रहा था। और वहाँ पर रहेंगे लोग तो वहाँ पर मतलब 3-4 फ्लोर वाला घर है, तो उस पर 3 फ्लोर का घर है, तो नीचे वाले पर उतनी गर्मी नहीं होती है जितना गाँव पर भयानक गर्मी हो रही थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ते पे आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी एक बंदा दिखाई नहीं दे रहा रोड पे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब गर्मी इतनी है कि अगर आप बाइक से बिना हेलमेट के अगर गाड़ी 50-60 भी चलाओगे तो हो सकता है आपके नाक से खून आ जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। अगर मैं इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाऊँ और 40-50 पे चला दूँ तो भी खून आ जाता है। पूरी लू बह रही थी, भयानक, बहुत ही भयानक। और आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि रास्ता बहुत पतला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आराम से पास कर जाती हैं। तभी मैं चल रहा था, मैंने गाड़ी भी उतना ही चलाया था 40-50 के आसपास। और मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में लग रहा है कि गाड़ी जो है बहुत तेज़ चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं अभी बैठ के घर पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वॉइस ओवर वाली भी टेंशन थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँगा। तो गाड़ी का स्पीड लगभग 40-50 ही था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि गाड़ी कितनी ही तेज़ चल रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। और आप देख सकते हैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के एक हाथ से वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है, वो मैं ही जानता हूँ। मेरी एफर्ट को आप लोग नहीं समझते हैं, अगर समझते तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट तो खैर मेरे को लगता है इतना देर तक कोई वीडियो मेरा देखता भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई सुनेगा तो इतना तो गारंटी है कि भाई अगर सुनता कि हाँ मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ तो करता ही कुछ ना कुछ, लेकिन इतना देर तक कोई देखता भी नहीं है। और जो देखता होगा उसको शायद कमेंट करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखता होगा। कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कहीं मस्त इस व्यू से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो वो अच्छा लग रहा है आजकल देखने में, इसलिए मैं हमेशा कॉर्नर साइड से बना रहा हूँ वीडियो। इसमें आपको ए पिलर और लुकिंग मिरर प्लस साइड मिरर और मेन मिरर तीनों का व्यू आ रहा है एक साथ। देखिए एक हाथ से गाड़ी चलाओ, एक हाथ से स्टीयरिंग। फिर अब इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि अब वो माउंट ले ही लूँगा जो चेहरे पे लगाया, मतलब सर पे लगाया जाता है, हेलमेट जैसा जो होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ।